दोस्तों आजकल आप स्मार्टफोन्स कितना इस्तेमाल करते हैं? दिन के 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। स्मार्टफोन एक एडिक्शन हो गया है, स्पेशली जो यंग बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं या 20-25-30 साल के, वो तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लिटरली एवरी मिनट दे हैव द फोन इन देयर हैंड्स। लेकिन आपको पता है स्मार्टफोन जानलेवा हो सकता है? जी हाँ, अभी तक तो हमने सुना है कि US में, इंडिया में भी बहुत सारे हुए हैं। मेरे एक दोस्त ने एक फेसबुक पे अभी मैसेज भेजा कि उसके दोस्त का लेनोवो K4 नोट बर्स्ट हो गया है, और आप ये पिक्चर्स देख के हैरान हो जाएंगे। द अमाउंट ऑफ डैमेज दिस फायर हैज कॉज, लिटरली उसका जो लेनोवो K4 नोट है वो एक्सप्लोड हुआ है। जी हाँ, लकीली वो उन्होंने डेस्क पे रखा हुआ था, और डेस्क का ये फोटोज आप देख रहे हैं अभी, ये जो फोटो था ये लिटरली बर्न हो गया, उनका जो स्मार्टफोन है वो बर्न हो गया है, एशेस दिख रहे हैं, इतनी बुरी तरह से वो जल के खाक हो गया है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप इस घटना से कैसे बच सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बैटरी की जांच आपने कंटिन्यूसली करनी चाहिए। लेकिन इसके पहले, ये एक्सप्लोजन होते कैसे हैं, क्यों होते हैं? जैसे सैमसंग में हुआ, सैमसंग नोट में हुआ, और अभी K4 नोट और बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स में भी हुआ है, लेकिन आप ये इससे कैसे बच सकते हैं? दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे याद से क्लिक कीजिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ये जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं वो अपने आप ऐसे एक्सप्लोड नहीं होती, याद रखिए, ये बहुत प्रॉपरली इंसुलेटेड होती है। कुछ ना कुछ रीज़न होता है उनका एक्सप्लोजन का। सबसे पहला रीज़न है, लेट से आपका फ़ोन गिर गया, बहुत ऊंची से गिर गया, ज़्यादा ज़ोर से गिर गया, तो वो जो बैटरी है वो बैटरी पंक्चर हो सकती है, एक छोटा सा कुछ तो भी अंदर चला जाता है और बैटरी पंक्चर हो जाती है। और ये जब बैटरी पंक्चर हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है, उसके जो लेयर्स होते हैं वो लिथियम आयन बैटरी के अंदर, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और वो शॉर्ट सर्किट होने के बाद में वो एक्सप्लोजन होता है। तो ये एक बहुत फ्रीक्वेंटली होने वाला रीज़न है जिसकी वजह से बैटरी या स्मार्टफोन एक्सप्लोड होता है। दूसरा रीज़न, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ बैटरी। बहुत जो सस्ते चाइनीज फोन्स होते हैं, नॉट द ब्रांडेड वंस बट नॉन ब्रांडेड वन, डुप्लीकेट फोन्स जो होते हैं, उनकी जो बैटरीज होती हैं वो बहुत सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती है, तो उसका जो इंसुलेशन वगैरह होता है वो ठीक नहीं होता है। आपने देखा होगा ये जो बैटरीज थोड़ी फूल जाती हैं थोड़ी दिन के बाद, जब वो फूलती हैं इसका मतलब वो एक्सप्लोजन के कगार पे खड़ी हुई है। जी हाँ, अगर आप अपना स्मार्टफोन चेक कीजिए, बैक ओपन कीजिए और बैटरी देखिए, थोड़ा भी अगर बैटरी का शेप चेंज है, वो फ्लैट होता है, वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो आपने सर्विस सेंटर में जाके आप वो दिखा के आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बैटरी पोटेंशियली एक्सप्लोड हो सकती है। थर्ड रीज़न, आपका फ़ोन अगर कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा ओवरहीट होता है, तो आप चार्जिंग को रखते हैं, रात भर रखते हैं चार्जिंग को, ये सबसे बुरी बात है। क्यों? क्योंकि वो हीट होता है, 100% चार्ज होता है, और उसके बाद भी उसके अंदर चार्जर जाते रहता है, और जब ये चार्ज उसके अंदर जाता है तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है वो बैटरी, और शायद वो हीट की वजह से उसका जो इंसुलेशन या जो लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, क्योंकि वो लिक्विड हो जाता है और कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, उसकी वजह से भी बैटरी एक्सप्लोजन हो सकता है। तो आप कैसे बचें इसके साथ? सबसे पहले, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्मार्टफोन तो खरीदे ही मत। चाइनीज स्मार्टफोन जिसका ब्रांड नहीं होता, ऐसे प्लीज आप मत खरीदिए, क्योंकि आप आपकी जान खतरे में डाल रहे हैं। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। दूसरी और बड़ी बात, रात को चार्जिंग मत कीजिए। मतलब आप क्या करते हैं, सोने से पहले जाके चार्ज लगाते हैं और सो जाते हैं, और सुबह सिर्फ निकालते हैं, 7-8 घंटे वो बैटरी चार्ज होती रहती है, ये आप मत कीजिए। आप 2-3 घंटा चार्ज कीजिए, बंद कीजिए, इवन इफ द बैटरी इज अबाउट 80%, 90%, इट इज़ ओके, 100% करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट इट्स अ गुड प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस होती है अगर 80-90% तक बैटरी हो, उसकी लाइफ ज़्यादा बढ़ती है। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न, और हम सब ये बहुत ज़्यादा करते हैं, जो स्टैंडर्ड जो फ़ोन के साथ चार्जर आता है वो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम फर्स्ट पार्टी चार्जर इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम कोई भी चार्जर लेते हैं और अपने फ़ोन को लगा देते हैं और चार्ज कर लेते हैं, वो भी दैट लीड्स टू बैटरी डिफेक्ट्स, दैट लीड्स टू एक्सप्लोजन्स, क्योंकि किसी किसी का 2.1 एम्पियर चार्ज होता है, किसी किसी का 1 होता है, किसी किसी का 3 एम्पियर चार्ज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बैटरी हैंडल नहीं कर पाती है।
तो आप फर्स्ट पार्टी चार्जर जो आपके फोन के साथ जो आया हुआ है चार्जर वही इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी बैटरी आप रेगुलरली चेक करते रहिए, थोड़ा उसका शेप चेंज हो गया है क्या, कुछ और प्रॉब्लम हो गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मोस्ट ऑफ द 90% फोन्स में आपको बैटरी दिखती है अगर पीछे से निकालेंगे तो, लेकिन अगर आपने नहीं किया है और आप बहुत ज़्यादा दिन से आपका स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, 6 महीना 1 साल के बाद आपने वो निकाल के देखना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। तो आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, स्टे सेफ अगले वक्त तक के लिए।